तेजस्वी यादव एक साल पहले तक उनको शराब माफिया दिख रहा था और आज उनको शराबबंदी में फायदा दिख रहा है। जीतन राम मांझी के लड़के अभी मंत्री थे तब उनको शराबबंदी नहीं दिख रहा था। मैं सबनाज और मेरे साथ रबजी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के लोगों को उनके हितों के प्रति पदयात्रा के माध्यम से लगातार जागरूक कर रहे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर भाजपा जेडीयू आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं की आपस में मिली भगत की पोल खोलते हुए बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी को लेकर जहां तक भाजपा के स्टैंड की बात है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जैसे लोगों के बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तक जब ये जेडीयू के साथ सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, अभी तक एक साल पहले तक तो ये सरकार चला रहे थे, तब तो खुद ही शराबबंदी लागू करने के पक्ष में थे। आज जब विरोध में है तो उनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोल तो रहे हैं लेकिन मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इसी तरह से तेजस्वी यादव को एक साल पहले तक शराब माफिया दिख रहा था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को एक साल पहले तक शराब माफिया दिख रहा था और आज उनको शराबबंदी से फायदा दिख रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे अभी कुछ दिनों पहले तक तो बिहार सरकार में मंत्री थे तो उनको शराबबंदी नहीं दिख रही थी। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब आएगी तब इसको बदलेंगे। ये क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का लड़का अभी तक तो मंत्री था, अभी फिर से कल जब मंत्री बन जाएगा तो उनको शराबबंदी से फायदा दिखने लगेगा। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा की बात कही तो सम्राट चौधरी जैसे लोगों का तो बोलने का कोई मतलब है नहीं। अभी तो कल तक जब ये सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तब ये एक साल पहले तक सरकार चला रहे थे, तब तो खुद ही शराबबंदी लागू करने के पक्ष में थे। अगर आज विरोध कर रहे हैं या पक्ष में कर रहे हैं, उनके बोलने का मतलब क्या है? तेजस्वी यादव एक साल पहले तक उनको शराब माफिया दिख रहा था और आज उनको शराबबंदी में फायदा दिख रहा है। जीतन राम मांझी के लड़के अभी मंत्री थे तब उनको शराबबंदी नहीं दिख रहा था। जब शराब अब सरकार आएगा तब बदलेंगे। उनका लड़का था ना अभी मंत्री, अभी कल मंत्री बनेगा तो शराबबंदी से उनको फायदा दिखने लगेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।